हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित राइडर। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मोटो व्लॉग। एंड गाइस, आज है संडे और मैं आपको बताऊँ, हमारी संडे राइड की शुरुआत हो चुकी है और टाइम जो भी हो रहा है वो 6:15 बज रहे हैं। एंड मेरे साथ अभी जा रहे हैं मेरे तीन राइडर्स और अभी हम जाने वाले हैं अपने मीटिंग पॉइंट पर, जो कि है मुकरबा चौक बाईपास रोड, करनाल वाले बाईपास पर हम जा रहे हैं। वहाँ पर हमें राइडर्स मिलेंगे, एक राहुल भाई मिलेंगे, साहिल भाई मिलेंगे। सो गाइस, चलते हैं डायरेक्ट अब मुकरबा चौक। और जो आज मेरे साथ तीन राइडर जा रहे हैं वो है राज भाई, करण भाई और भावी। सो गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की राइड में और मैं आपको लोकेशन बताऊं कि हम कहां जाने वाले हैं। सो हम जा रहे हैं मूर्थल, अमरिक सुखदेव जा रहे हैं। एंड गाइस, मैं आपको ये बता दूँ कि हम इसलिए मूर्थल जा रहे हैं बिकॉज इस संडे में कहीं की लोकेशन मुझे समझ नहीं आई थी, ना ही मेरे ग्रुप के राइडर्स को समझ आई थी कि कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज कोई लोकेशन दिमाग में ही नहीं आ रही थी अच्छी सी जहाँ पे जाना चाहिए। सो गाइस, एंड हमारे ग्रुप के राइडर्स कुछ आए भी नहीं, तीन चार राइडर्स नहीं आए, उनको कोई काम वगैरह था इस वजह से नहीं आ पाए। खैर कोई ना, अगले संडे वो आएंगे। सो हम मिलते हैं डायरेक्ट मुकरबा चौक। फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपने मीटिंग पॉइंट पर और ये हमारा लाइनअप आज का। और अभी साहिल भाई आ रहे हैं और नितिन भाई भी हमें मिलेंगे, देन हम निकलने वाले हैं मूर्थल राइड के लिए। सो मिलते हैं अब डायरेक्ट सीधा मोटो व्लॉग के साथ। गाइस, आज का लाइनअप चेक करिए, है लाइनअप छोटा बट मस्त लग रहा है। दूर का भी चेक करिए, इतना तगड़ा लग रहा है। ये हमारा फाइनल लाइनअप आप देख सकते हैं और साहिल भाई भी आ चुके हैं, मेरे साहिल भाई, और ये हमारे राइडर बाकी। और ये चलिए, तो भाई मैं आपको बता दूं कि नितिन भाई आज नहीं आए हैं, उनसे बात हो गई है कॉल पे तो भाई उठ नहीं पाए। तो खैर कोई ना, भाई अगले संडे राइड पे ज़रूर मिलेंगे। तो हम निकलते हैं डायरेक्ट मूर्थल के लिए एंड रोड का व्यू चेक करिए आप, इतना प्यारा है। सो फ्रॉम हेयर अपनी राइड की शुरुआत हो चुकी है एक बढ़िया से हाईवे पर। सो गाइज, ये हाईवे है करनाल वाला हाईवे, जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू वगैरह सारी जगह जा रहा है ये रोड। सो आप इस हाईवे से जा सकते हैं, बढ़िया हाईवे है बहुत। एंड ये आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा कूड़े का पहाड़, जब भी आप निकलोगे यहाँ से तो गाइज आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, एक कूड़े के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। सो गाइज, एक मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही मतलब ठीक ठाक हो रखा है, नॉर्मल हो रखा है, धूप तो नहीं निकल रही फ़िलहाल अभी तो, एंड बात का कुछ पता नहीं बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है तो धूप नहीं निकलती इतनी जल्दी। एंड गाड़ियाँ चेक कर सकते हैं गाइज, फुल फॉर्चुनर वगैरह जा रही है, स्कॉर्पियो, मतलब गाइज ऐसे रोडों पर मैंने देखा है कि एक से एक गाड़ियाँ निकलती है, BMW, ऑडी, डिफेंडर हो गई, एक से एक कार्स। बट फिलहाल इस टाइम पर तो हमें ट्रक देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं लेफ्ट साइड पर, बिकॉज ये बेचारे लेफ़्ट साइड पे ही चलना होता है इनको, बिकॉज इनका कमर्शियल व्हीकल होता है, तो अगर ये अपनी लेन में नहीं चलेंगे तो इनका चलान हो जाता है। एंड अपने पीछे आ रहे हैं साहिल भाई, मिरर में आपको दिख ही रहा होगा शायद से। बाकी आज हम एकदम स्लोली स्लोली चल रहे हैं बिकॉज हम कम राइडर्स हैं। एंड ये रहे अपने करण भाई लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर अपने राज भाई। हम धीरे धीरे ही जाएंगे गाइज बिकॉज यार आज हम पांच छह राइडर्स ही है तो साथ में ही चलेंगे। एंड आज विक्रम भाई आए नहीं हैं बिकॉज उनको कॉलेज वगैरह से काम से जाना था। एंड रतन भाई भी नहीं आए, भाई को भी कुछ काम था, क्रिकेट वगैरह खेलने जाना था, खैर कोई ना। एंड नितिन भाई तो सो के ही नहीं उठ पाए, सोते ही रह गए नितिन भाई, तो उनसे बात हुई थी कॉल पर तो कहते भाई मैं उठ नहीं पाया। चलो कोई नहीं गाइस, अगले संडे सारे राइडर्स मिलेंगे अपने, देन चिल करेंगे, मस्ती करेंगे। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी तो, फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे 60 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ। एंड गाइस, ये मैंने नोटिस करा है कि जब हम कम बंदे होते हैं एंड धीरे चलते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है राइड करने में। बट ये चेक करिए गाइस, कोई राइडर गया, आई थिंक बुलेट लग रही थी, हंटर। आज देखा जाए तो गाइस इस हाईवे पे मुझे बाइकर्स दिख नहीं रहे हैं, डोंट नो क्यों, वरना तो पिछले जो राइड थी संडे राइड उस पर तो पक्की आ रही 2.0 ग्रुप का, जो ग्रुप मिला था बाइकर्स का, बहुत सारी बाइक्स थी, अराउंड 450 बाइक। ट्रक चेक करिए गाइस, इतना बड़ा है। एंड ये रही हरियाणा रोडवेज, हरियाणा की फेमस
फेमस बस जिसे कहा जाता है गाइज, मैं इसमें कई बार बैठा हूँ। ये जो इनके ड्राइवर्स होते हैं एकदम ओपी तरीके से चलाते हैं, कटिंग मार मार के फुल, लोग तो घबरा भी जाते हैं जो पहली बारी बैठते हैं। गाइज रोड का व्यू चेक करिए, मतलब कितने लेन का है, 1 2 3 4 लेन का ये हाईवे है एंड इतना मस्त है। एंड ये चेक करिए, ये आई थिंक फार्म हाउस वगैरह बने हुए इतने बड़े बड़े, मतलब इस रोड पे ही फार्म हाउस वगैरह बन रहे हैं बिकॉज ये जो करनाल वगैरह के लोग होते होंगे यहाँ पे मैरिज वगैरह का अरेंजमेंट कर लेते होंगे ईजिली। एंड ठीक ठाक रेट तो नहीं महंगा ही होता होगा ऑब्वियसली जब 4 लेन हाईवे पे है एंड करनाल हाईवे जो कि बहुत ही फेमस हाईवे है। एंड ये चेक करिए गाइस ट्रैफिक वाले भैया, मतलब ऐसे हाईवे पे भी गाइस ट्रैफिक पुलिस खड़े होने लग गई, वो भी दिल्ली की पुलिस थी। एंड ये अपने साहिल भाई अपने बराबर में ही है, बट भाई हमें ओवरटेक नहीं कर रहे, भाई भी स्लोली स्लोली मूव ऑन कर रहे हैं। मौसम तो एक नंबर का हो रखा है एंड हम धीरे धीरे भी चल रहे हैं तो और भी मज़ा आ रहा है राइड करने में। बट यार एक चीज़ अलग है, वो है जब हम सारे राइडर साथ में चलते हैं तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। एंड ये चेक करिएगा इस तिरंगा झंडा अपना कितना बढ़िया लहर रहा है। सो मैं ये बता रहा था कि इतना मज़ा आता है जब सारे राइडर साथ में होते हैं। एंड ये चेक करिएगा शनिदेव महाराज की कितनी बड़ी मूर्ति, जय शनिदेव। सो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब सारे राइडर्स हम साथ में होते हैं तो यार ऑब्वियसली जब 10-12 राइडर्स होंगे तो मज़ा ही आएगा, बट अभी तो हम यार 5-6 राइडर्स ही है। एंड बाकी यहाँ पे जगह जगह बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट बने हुए, ये देखिए जैन चिकन जी, ये भी बहुत फेमस है गाइज, ये आपको जयपुर हाईवे पे भी मिलेगा जैन चिकन जी वाला, मतलब ये नाम है रेस्टोरेंट का, बहुत ही बढ़िया है, ये भी मैं यहाँ पे विज़िट कर रखा हूँ। सो गाइज खाली है एकदम हाईवे एंड संडे का दिन है तो ऑब्वियसली खाली होगा, बट मूर्थल में तो ऐसी भीड़ होती है हमेशा, हाउसफुल रहता है अमरिक सुखदेव में तो खासकर। और वो चल रहे आगे राज भाई, राज भाई क्या बात है, अलग हो गए करण भाई से। स्पीड स्पीड की बात होती है यार, कोई तेज चलाता है कोई स्लो चलाता है, फिलहाल तो अभी हम धीरे ही चला रहे हैं। राज भाई भी फुल बढ़िया तरीके से चलाते हैं गाइस, भाई का चैनल है राज शाह व्लॉग्स, सो जाके सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। एंड गाइस गाड़ी वाले तो इस रोड पे पागल ही हो जाते हैं, मतलब ऐसे भगाते हैं एकदम स्पीड में 100 110 20, सो इनसे तो दूर होके ही चलना चाहिए। एंड ये चेक करिए स्प्लेंडर फुली लोडेड सामान लेके जा रहा है भाई, कुछ डोंट नो क्या होगा। फिलहाल गाइज अभी तो आप ये नकली एरोप्लेन देखिए, इस रेस्टोरेंट का नाम है हवाई अड्डा, ये भी फेमस है बट यहाँ पे रश कम होता है एंड आपको दिख भी रहा होगा पार्किंग में 2-4 गाड़ियाँ दिख रही है। एंड ये बहुत ही बड़ा है खैर अंदर से, तो प्लेन में बैठ के यहाँ पे लोग खाना खाते हैं। सो यहाँ पे हम रेस्ट करने के लिए रुके थे, स्कूटी ठंडी करने के लिए रुके थे एंड ये लाइन अप देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स श्यान भाई भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे आगे चल रहे स्पाइक वाला हेलमेट जिनका है। सो भाई हवाई अड्डा रेस्टोरेंट पे आए थे, कॉल आ गई थी इनकी तो हमारी बात हो गई थी एंड आप देख सकते हैं हम फाइनली पहुंच चुके हैं अमरिक सुखदेव, हम दोबारा आए हैं। मैंने आपको बता दिया था ये कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी तो हमने सोचा ये पराठे खाने चलते हैं। सो अब चलते हैं पार्किंग में, स्कूटी वगैरह लगाएंगे देन अंदर चलेंगे, सो देखते हैं कि क्या ऑर्डर करेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम पराठा और चाय पियेंगे बिकॉज यहाँ की फेमस वही दो चीज़ है बस। तो अभी यहाँ पे स्कूटी पार्क करेंगे एंड जो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारी स्कूटीज वगैरह के नंबर नोट कर रहा है, पर्ची बना रहे हैं, तो अंदर जाके देखते हैं कि क्या ऑर्डर करेंगे। फाइनली गाइस हम दोबारा आ चुके हैं अमरिक सुखदेव और ये हमारे सारे राइडर्स, चाबी तो निकाल लेंगे और स्कूटी वगैरह हमने पार्क कर दिया, भाई चाबी तो निकाल, मजे मतलब। और ये खड़े अपने सारे भाई भाई, तो हम अंदर जाएंगे देन देखते हैं क्या ऑर्डर करने वाले हैं। सो अब तैयार करते हैं। सो गाइज पार्किंग में स्कूटी लगा दी, आप देख सकते हैं ये खड़ी अपने सारे राइडर्स की स्कूटी और ये रहा अमरिक सुखदेव। सो अब अंदर जाएंगे हम देन आपको अंदर मिलता हूँ डायरेक्ट, देन दिखाते हैं क्या हम ऑर्डर करने वाले हैं।
फाइनली गाइस अमरीक सुखदेव का फ्रंट कुछ ऐसा है तगड़ा सा, और अब हम अंदर जा रहे हैं एंड ड्रेस चेक कर सकते हैं पब्लिक का क्राउड, ये देख सकते हैं आप, एंड ये बहुत तगड़ा लगता है गाइस यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये चेक करिए इतना कूल लग रहा है एकदम फैंटास्टिक। सो फाइनली गाइस एंट्री ले चुके हैं, अब देखते हैं कि क्या ऑर्डर करेंगे। पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि यहाँ पे है नहीं, एंड भीड़ चेक कर सकते हैं आपको निशान। फाइनली गाइस सिटिंग अरेंजमेंट मिल चुका है और अब हम यहाँ पे ऑर्डर करने वाले हैं क्या करें। फाइनली गाइस हमने पराठे आलू पराठा और चाय ऑर्डर करी है, बट अभी पराठे आ चुके हैं आप देख ही पा रहे होंगे, और इसमें मक्खन चेक करिए वाइट मक्खन इतना ज़्यादा डाल रहे हैं। तो अभी चाय भी आने वाली है और हम पियेंगे देन निकलेंगे घर की तरफ। तो ये देख सकते हैं हमारे राइडर सब खाने पीने लग गए हैं पड़े भाई। फाइनली गाइस हमने खाना पीना खा लिया था एंड अब घर की तरफ निकल रहे हैं। सो मिलते हैं अब डायरेक्ट आपको मोटो ब्लॉग के साथ, एंड देख सकते हैं हमारे राइडर रेडी हो रहे हैं चलने के लिए। और ये है पार्किंग अभी जो सुखदेव की पार्किंग। तो फाइनली फ्रेंड्स हम निकल रहे हैं घर की तरफ एंड साहिल भाई अपने आगे चल रहे हैं। सो गाइज मैं आपको ये बताऊं कि हमने चाय आलू पराठा और चाय पी, सो बहुत ही मज़ा आ गया एंड मज़ा भी आता है यार, यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। सो फ्रेंड्स हमारा बिल अराउंड 910 के समथिंग हमारा बिल बना था, सो कंट्रीब्यूट हो गया सारे राइडर्स में। सो अब घर की तरफ जा रहे हैं एंड इसी ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक ज़रूर कर देना यार एंड कमेंट करके बताना, एंड मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय गाइस। सॉरी चाहता हूँ गाइस, क्षमा चाहता हूँ जिस क्लिप में आवाज़ कम आई हो आपको, तो मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी मुझे पता है। सो कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।